झाड़पुर प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी भवन के प्रांगण में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति की प्रखंड अध्यक्ष प्रताप कुमार मंडल की अध्यक्षता में आगामी 17 फरवरी को होने वाले राज्य स्तर पर हड़ताल को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार राज्य के शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि आगामी 17 फरवरी को शिक्षकों के द्वारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूर्व में विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल को सफल बनाने के लिए बैठक की गई। इस मौके पर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति प्राणपुर के शिक्षक सुनील कुमार ठाकुर, कृष्ण कुमार रजक, उल्फत हुसैन, पन्ना लाल, रविदास, मिथिलेश कुमार, राजकुमार रजक, अखिलेश कुमार, रियाज उलहक, गुड्डू कुमार, प्रभात कुमार आदि सहित दर्जनों शिक्षक उपस्थित रहे। प्रभावित हो रहे हैं, न हमारे पास ट्रांसफर का कोई ऑप्शन है, न ही प्रमोशन का कोई ऑप्शन है। इसी के आह्वान पर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें कि 28 संगठन बिहार के नियोजित से लेकर नियमित तक वो इसमें शामिल है, और अब उन्होंने 17 तारीख से आंदोलन में जाने का आह्वान किया है, जिससे कि पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी, सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। हम लोग सरकार के सभी कार्य का, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्य का बहिष्कार करेंगे, और ये नीतीश कुमार के लिए एक ऐसा चोट होगा जो उनको अभी सुनाई नहीं दे रहा है हमारी आवाज़, कि हमें जो हमारा हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम रोड पे आ रहे हैं, और जो बच्चों की जो शिक्षा की जो क्षति होगी, इसकी सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार और नीतीश कुमार की है। आपकी परिचय? भानु प्रताप सिंह, सदस्य शिक्षा संघर्ष समिति जिला इकाई कटिहार। शिक्षा देखता।